अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं इस वक्त जो है इस्लामाबाद के फूड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जना सुपर इस्लामाबाद के अंदर F7 मरकज़ में, जहाँ पर तुर्की शवारमा सेल किया जाता है और ओरिजिनल इनकी रेसिपी है, बेहतरीन किस्म का तुर्की शवारमा, जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी। पूरे सोशल मीडिया पे इस शवारमे ने धूम मचा रखी है। तो इस शवारमे ने मुझे मजबूर किया कि मैं इनके पास आऊँ, टेस्ट बताऊँ आप लोगों को, और उसके साथ साथ आप लोगों को बताऊँ कि क्या आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए या नहीं। तो इस वक्त मेरे साथ जो है इसकी इस शॉप के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जो भी आपके जहन में आपके माइंड में सवालात हैं वो तमाम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैं अपने खसूसी टाइम में से टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे पास। सबसे पहले ये बता दें कि ये शॉप खोले हुए कितना अर्सा हो गया आपको? इस शॉप को खोले हुए तो हमें तकरीबन 20 दिन हुए हैं अभी, लेकिन इससे पहले हमारी ब्रांच है F10 मरकज़ में, जो काफ़ी मशहूर भी है। हम लोग जो है वो ग्रिल के ऊपर बनाते हैं इसको, और बड़ा डिफरेंट स्टाइल है और डिफरेंट तरीके से बनता है। इसके अंदर जो मसाले वगैरह यूज़ होते हैं वो सारे तुर्किश मसाले हैं। तो कुछ लोग होते हैं उनको ये डाउट होता है कि मतलब कि जो हम ये शवारमा बना रहे हैं आप, ये तुर्किश की असल रेसिपी नहीं है, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल ही रेसिपी है? ये ओरिजिनल ही रेसिपी है। इसको हमने अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ चिकन में स्टार्ट किया है, और इसमें बीफ़ और लैम के लिए हमने मशीनें तैयार कर ली हैं। जो हम जो लोग ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर तुर्की में, और आप UK में चले जाएँ या जर्मन में चले जाएँ तो वहाँ पर ज़्यादातर लैम यूज़ होता है। जी जी। और हमने यहाँ पर इसीलिए F7 में आए हैं कि क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी थी F10 मरकज़ में, तो हमने F7 में खोलने की वजह यही है कि यहाँ पर हमने बीफ़ और लैम स्टार्ट करना है। तो हमें अभी 10-12 दिन हुए हैं, 15 दिन तकरीबन हो चुके हैं हमें। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो बीफ़ और लैम के लिए। यहाँ पर हमारे पास मशीनें आप देखने के तैयार पड़ी हुई हैं और हमने यहाँ पर ये स्टार्टिंग लेनी है अभी। अभी आपको 10 से 15 दिन हुए हैं शॉप के ऊपर, माशाल्लाह से सोशल मीडिया पर धूम आ चुकी है आपके शवारमे की और जो आपके बाकी ब्रांचेज हैं। अच्छा, तो अच्छा, जो अभी अभी जो है आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो है वो कितने मतलब के किस्म के शवारमे मौजूद हैं? अभी इस टाइम पे हमारे पास जो चिकन में अवेलेबल है उसमें है चिकन विदाउट चीज़, विद चीज़, वो रैप में है, टोटिया रैप में, और उसके अलावा ब्रेड में है जिस तरह डी शेप में, जो बाहर मुल्कों में जिस तरह चल रहा है, तुर्की में चल रहा है, वो है उसमें विद चीज़ विदाउट चीज़। फिर इसमें प्लेटर आ जाता है, जो लोग रोटी साथ में लेना चाहें वो ले लें, और इसमें फिर एक बॉक्स आता है जिसके अंदर फ्राइज़ हैं, सारी चीज़ें हैं कम्प्लीट, वो एक मील बनता है। तो आपके पास माशाल्लाह से बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमें जो है आप कौन सा खिलाएंगे? आपके लिए हमने तैयार किया है विद चीज़। विद चीज़, ठीक है। अभी हम लोग भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या सिर्फ बातें ही हैं या इनके जो शवारमा है उसमें ओरिजिनल वही तुर्की वाला जायका भी है। चलिए चलते हैं। नाज़रीन, शवारमा आ चुका है और मैं आपको बता नहीं सकता, देखते हैं, मेरे मुँह में पानी आ गया, बस ऐसा दिल कर रहा है कि फटाफट इसको शुरू कर दें। टोटल जो है हमारे पास यहाँ पर एक ही किस्म के या एक ही वैरायटी के आए हैं, उसके 3 शवारमा हैं क्योंकि हम 3 टीम मेंबर हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रैप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ब्रेड इस्तेमाल नहीं करते, एक रोटी टाइप रैप सा होता है, उसके अंदर चिकन सैलड और उसके साथ साथ सॉस, जो इनकी सीक्रेट और स्पेशल सॉस है, वो इस्तेमाल की जाती है। खुशबू, सुभान अल्लाह, शवारमे से 100 गुना मुनफरिद चीज़ है और बेहतरीन चीज़ है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। नाज़रीन, ये शवारमा है और ये देखिए ग्रिल किया गया है, जब इसको मुकम्मल तैयार कर लिया था उसके बाद चीज़ वगैरह डाल के ग्रिल किया है, जिससे चीज़ जो है मेल्ट हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन लुक आ रही है। और वेट करके मतलब कि सेम वेट से चिकन डाला जाता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, ये इधर सीन नहीं है। अभी जो है फर्स्ट बाइट जो है तुर्की शवारमा की ट्राई करते हैं और ट्राई करते हैं कैसा है, वही ओरिजिनल टेस्ट है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये दिल से कहता हूँ, आप जहाँ मर्जी जाएँ आपको ये शवारमा कहीं नहीं मिलेगा, बहुत बेहतरीन। कोयले में पका हुआ इतना स्पाइसी बता नहीं सकता, जाते इसने आग मचा दी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसके अंदर जो है जो सैलड डला हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन क्रंची क्रंची जो है जायका दे रहा है, इसके अंदर फील करवा रहा है,
चिकन जो है बहुत ही बेहतरीन जो होता है ना बारबेक्यू वाला जाकर वो दे रहे हैं। जो रैप है वो साइडों से फुल क्रिस्पी है, अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा हो फुल क्रिस्पी है तो उसके अंदर से बेहतरीन सॉफ्ट। जी तो नाज़रीन हमने जो है माशाल्लाह से इतने ज़्यादा जो टेस्टी शुहारमा था ना, कैमरा ऑफ था तभी मैं तारीफ़ की जा रहा था इसकी कि इतना ज़्यादा टेस्टी था, और ऐसा शुहारमा मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं खाया। बेहतरीन जायका, फुल जूसी, और सोच जो थी ना मुझे हल्का हल्का उसमें इमली का जायका आ रहा था, अब पता नहीं इमली डाली या डाली, और साथ जो है वो वेजिटेबल्स थे बहुत अच्छे अच्छे, और जो है अगर मैं आपको दिखाऊं मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने पैक भी करवा लिया। इधर देखें मैंने पैक भी करवा लिया है कि वापसी जाऊँ तो मैं रास्ते में खाता जाऊँगा, इतना टेस्टी है, बहुत बेहतरीन, प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है। तो इसकी जो लोकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हारून को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन मोहम्मद मामून के साथ पाकिस्तानी फूड रिव्यूज़ एंड व्लॉग्स, अल्लाह हाफिज़।